तो दोस्तों सबसे पहले ये कार्बोरेटर को ऐसे करके बाहर निकल लेना है। इसके बाद जो ऊपर का जो 10 नंबर का एक्सेलरेट एडजस्टिंग का जो नॉट है इसको फुल्ली ढीला कर लेना है। इसके बाद ये जो एक्सेलरेटर केबल का जो जो बूंदी है इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कार्बोरेटर को कैसे वॉश किया जाता है, इसको कैसे क्लीनिंग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ये वाला और इधर का ये वाला दो स्क्रू को पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखिए नीचे में भी दो स्क्रू है, ये दो स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों कैप को खोलने के बाद ये जो मेन जेड है कार्बोरेटर का, ये जो मेन जेड है इसको 8 नंबर का रेंज से खोलना पड़ेगा। दोस्तों जब इंजन लो आरपीएम से हाई आरपीएम में जाता है तब स्लो जेड का बजाय ये जो मेन जेड है इसके अंदर से पेट्रोल होके कॉम्बसन चेंबर तक जाता है। तो किसी भी रीजन से अगर ये मेन जेड जाम पड़ जाएगा तो हाई स्पीड में मिसिंग जैसा कुछ दिक्कत आ सकता है। तो दोस्तों कार्बोरेटर जब भी क्लीनिंग करना हो तो सबसे पहले पेट्रोल और ब्रूस के मदद से अच्छा से इसको सफाई करना है। उसके बाद एयर प्रेशर से अच्छा से इसको क्लीनिंग कर लेना है ताकि थोड़ा सा भी रस्ट इसके अंदर बचा ना हो। तो अब ये कार्बोरेटर को फुल्ली असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्लो जेड है इसको ऐसे बिठा लेना है और पतला सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर देना है। और इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का से जितना हो सके टाइट करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर टाइट कर देंगे तो इसका जो थ्रेड है ये कट जाएगा। इसके बाद जो इसका मेन जेड है इसको एयर प्रेशर से क्लीन कर लेने के बाद इसको भी फिट कर देना है। और दोस्तों ये जो मेन जेड है इसमें 8 नंबर का रेंज लग जाएगा तो इसको भी हल्का हाथ से टाइट देना है, क्योंकि अगर इसको भी अगर ज़्यादा टाइट दे देंगे तो ये भी इसका भी थ्रेड लूज हो सकता है। और दोस्तों ये इसका निडल पिन है, इसी से पेट्रोल को ऑफ ऑन किया जाता है। जब इसके अंदर पेट्रोल फुल भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकल ऑफ हो जाएगा। और ये इसका जो लॉक फिन है, यहाँ पर स्क्रू को भी फुल्ली टाइट कर लेना है। इसके बाद इसका ऊपर हल्का हाथ से रेजी बॉन्ड लगा के, या आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, हल्का हाथ से ग्रीस या रेजी बॉन्ड लगा के इसको ऐसे फिट कर देना है।
ताकि यहाँ से पेट्रोल लीक ना करे। और इसके ऊपर ये जो पतला सा जो वाशर है, स्प्रिंग वाशर लगा के इसके ऊपर ये वाला स्क्रू ऐसे टाइट कर देना है। और फिर ये स्लाइड फिन को बैठा लेना है, ऊपर का जो रबर है रबर का कट मैच करते हुए इसको भी बैठा लेना है ऐसे करके, और ये फिट हो जाएगा आसानी से। इसके बाद इसका जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को भी फिट कर लेंगे। तो ये इसका स्प्रिंग है, इसको ऐसे करके बिठाने के बाद ऊपर से ये कैप ऐसे उसके ऊपर से फिट कर देंगे, और इसका भी दो स्क्रू इसके साथ असेंबल कर देंगे।